वो सिर्फ राज्य स्तरीय और नेशनल चैंपियनशिप में जीतना चाहती थी, लेकिन परिवार और कोच के सपोर्ट और अपनी कड़ी मेहनत से हरियाणा के रोहतक की रितिका हुड्डा ने हासिल कर लिया है पेरिस ओलंपिक का टिकट। रितिका हुड्डा को मिला है पेरिस ओलंपिक में दम दिखाने का मौका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलबिश और आप देख रहे हैं ओलंपिक पर हमारी स्पेशल सीरीज कैन टारो प्रेजेंट्स दिखा दो दम। केंट आरो जो हमेशा रखता है शुद्धता का ख्याल, सालों से भरोसे की पहचान, केंट आरो रखता है आपकी सेहत का ध्यान। पेरिस ओलंपिक पर हमारी खास सीरीज दिखा दो दम में हमारी आज की मेहमान हैं रितिका हुड्डा। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली 21 साल की रितिका हुड्डा ने पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया है। वे महिला कुश्ती के 76 किलोग्राम वर्ग में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए कैसी है उनकी तैयारी और कैसा रहा यहाँ तक पहुँचने का उनका संघर्ष, आइए जानते हैं मेरी सहयोगी गायत्री चौहान के साथ। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। पेरिस ओलंपिक तक पहुंचने में रितिका की इस कामयाबी के पीछे उनकी सालों की मेहनत है, साथ ही उनकी मां भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती हैं। पिछले महीने रितिका हुड्डा ने पेरिस ओलंपिक क्वालिफायर पदक जीता और 76 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में इतिहास रचा। तब से रितिका हुड्डा पेरिस के लिए कड़ी ट्रेनिंग कर रही है, किसी भी चोट से बचने का प्रयास कर रही हैं और गर्व से भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वैश्विक मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाने के लिए उत्सुक है। जब वे पीछे मुड़कर देखती हैं तो उन्हें याद आता है कि 13 साल की उम्र में उनका ध्यान केवल राज्य और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जीत हासिल करने पर था। उसने कभी सपने में भी ओलंपिक में जाने की कल्पना नहीं की थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया वे अपने खेल में बेहतर होती गई। उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने, अपने देश के लिए खेलने के लिए विमान में उड़ान भरने और अपनी भारतीय जर्सी पहनकर गर्व से कुश्ती के मैदान में कदम रखने का सपना देखा। आइए एक नजर डालते हैं रितिका की अभी तक की उपलब्धियों पर। 2023 बिशेक टूर्नामेंट सिल्वर मेडल, 2023 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडल, 2023 इब्राहिम मुस्तफा टूर्नामेंट ब्रॉन्ज मेडल, 2023 वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप गोल्ड मेडल। रितिका के लिए खेलों में उनका सफर केवल बड़ी ट्रॉफियां या गोल्ड मेडल जीतने तक सीमित नहीं था। वे हमेशा दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने और कुश्ती में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाने के बारे में सोचती थी। इस कमिटमेंट ने उन्हें कठोर ट्रेनिंग और उनके रास्तों में आने वाली कई चुनौतियों पर काबू पाने के लिए प्रेरित किया। अभी तक की अपनी यात्रा के दौरान कुछ पल ऐसे भी आए जब उनका खुद पर से भरोसा उठ गया, लेकिन जो चीज उन्हें वापस लेकर आई थी वो था उनका मंत्र, जो कि था अच्छा पहलवान बनना है। और इसी मंत्र के बूते पर आज रितिका तैयार है अपनी पहलवानी का हुनर दिखाने और पेरिस में तिरंगा लहराने को। तो आइए शुरू करते हैं रितिका से बातचीत का सिलसिला। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है दिखा दो दम। तो मैं हूँ आपके साथ में गायत्री और जैसा कि आप सब जानते ही है हमारी ये सीरीज है ऑल अबाउट द एथलीट्स जो ओलंपिक सीरीज में जा रहे हैं, इस बार जो ओलंपिक्स में परफॉर्म करने वाले हैं, इस बार 2024 ओलंपिक्स इन पेरिस। तो वही एथलीट्स को हम लोग ढूंढते ढूंढते आज पहुंचे हैं रोहतक हरियाणा और यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है एक बहुत ही कमाल की एथलीट से। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत हार्डशिप्स भी देखी हैं, बहुत परेशानियाँ भी देखी हैं अपने स्पोर्ट को लेकर। रेसलिंग करती है ये, फ्री स्टाइल रेसलिंग करती हैं ये, एंड इतनी ज़्यादा परेशानियाँ देखने के बारे में जो मैं आपको बताऊंगी आगे इनके साथ क्या क्या हुआ है, उसके बावजूद इन्होंने गिव अप नहीं किया और आज की डेट में ये फर्स्ट वुमेन रेसलर है अंडर द 76 केजीज कैटेगरी टू गेट अ कोटा इन पेरिस ओलंपिक्स। उसके साथ साथ ही शी इज द फर्स्ट वुमेन टू विन गोल्ड इन अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो अब बिना किसी देरी के हम आपको सीधे लेकर चलते हैं उनके पास और मिलवाते हैं हमारी नई और बहुत ही दमदार रेसलर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका रितिका जी। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ।
रितिका जी ने हमें अपने बिजी स्केड्यूल में से, क्योंकि वो अभी तैयारियों में जुटी हुई हैं, पूरी पूरी ओलंपिक्स की तैयारियों में पूरी डट के लगी हुई हैं, तो उससे उन्होंने थोड़ा सा समय निकाला है हमसे बातचीत करने के लिए। तो चलिए थोड़ी बहुत उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कैसा, क्या महसूस कर रही हैं आप अभी अभी आप ओलंपिक्स के लिए जा रही हैं, कैसी फीलिंग है? मैम फीलिंग तो बहुत अच्छी है, क्योंकि 76 का पहली बार कोटा आया है और अब तो मतलब कड़ी मेहनत करनी है, यूँ कि ओलंपिक से भी मेडल लेके आना आप तो बस। बिल्कुल बिल्कुल, और मेहनत तो आप बहुत कर ही रही हैं, हमने अभी देखा आपको प्रैक्टिस करते हुए, एकदम ज़बरदस्त मेहनत चल रही है। तो क्या लगता है इस बार कैसा कैसा कॉम्पिटिशन रहेगा वहाँ पर, किस तरीके के, आपको क्या लगता है आपके कॉम्पिटिशन में कौन कौन है उनमें से? मैडम जिनका क्वालिफाई हुआ, मतलब कुछ तो ऐसी जिनको मैं जानती हूँ, मेरी बाउट भी हुई है, उम्मीद मुझे पूरी है कि मैं मेडल लेके आऊँगी, क्योंकि अपोनेंट कुछ तो ऐसी है, मेरी बाउट हो रखी है, लूज भी हो रखी हूँ उनसे, विन भी हो रखी हूँ, तो जिनसे लूज हुई तो उनसे विन भी होना है। बिल्कुल बिल्कुल, और आपका हौसला देख के और आपकी प्रैक्टिस देख के लग रहा है कि बिल्कुल आप जीतेंगी, बहुत बढ़िया करेंगी और अभी भी बहुत बढ़िया कर ही रही है। थैंक यू। कब आपका पेरिस के लिए कब आपको निकलना होगा, किस समय पर? मैडम जुलाई से स्टार्ट है, पर अभी जैसे कोई डेट नहीं दी है किसी ने, बस अब तो यूँ है कि मेहनत करनी है, डेट आएगी तब चले जाएँगे, रवाना हो जाएंगे। अच्छा, तो ये हमारे साथ है रितिका हुड्डा और इनके बारे में हम और जानते हैं इनसे। रितिका आप मुझे बताइए, आप कितने सालों से इस स्पोर्ट में हैं, रेसलिंग में? मैडम मुझे 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं, तो शुरुआत कैसे हुई रेसलिंग की, मतलब कि क्यों आपने रेसलिंग चुना और कैसे इसमें आपका एंट्री हुई है? मैडम शुरू से ही गेम का शौक था मुझे, लेकिन पापा, मतलब मैं टीम गेम करती थी हैंडबॉल, पर पापा कहते कि टीम गेम में अगर नाम ही करना है तो टीम गेम मत ले, इंडिविजुअल ले, तो इंडिविजुअल, तो पापा बोले कि रेसलिंग कर ले, मैं बोली हाँ, तो मनदीप सर के पास यहाँ छोटू राम स्टेडियम में पापा 2015 में ले आए थे, तब से जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। तो स्टार्टिंग से इसका जैसे स्ट्रेंथ वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसके बाद जैसे इसका करने का, प्रैक्टिस करने का, और उसके ऊपर जैसे समर्पित काफ़ी भाव से प्रैक्टिस करती है, पूरा अपनी लगन से प्रैक्टिस करती है, और अभी उसके बाद पहले इसने स्कूल नेशनल में मेडल जीता, उसके बाद फिर सब जूनियर में, फिर एशिया में, फिर जूनियर में, फिर जूनियर एशिया में, वर्ल्ड में मेडल आया, अंडर 23 में अभी पहली लड़की बनी थी अंडर 23 जिसमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। तो काफ़ी लड़कियां यहाँ भी हैं, अच्छी लड़कियां, जिसमें रितिका ने अभी 76 में क्वालिफाई किया, तो हम उम्मीद करते हैं कि देश को ओलंपिक में एक मेडल और देगी रितिका। केंट देता है 100% प्योर पानी और 4 साल तक फ्री सर्विस। प्योर पानी में मिनरल्स बने रहते हैं। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। इसके अलावा आप मुझे बताइए कि मतलब आपका बीच में आपके काफ़ी मुश्किल टाइम भी आपने देखा है, जिस समय पे आपको, आपने कुछ एक दो टूर्नामेंट्स आप हार गई थी और उसके बाद आपको ऐसा लगा था कि आप गिव अप कर देंगी, उस समय के बारे में थोड़ा हमें बताइए। मैडम मैं कॉमनवेल्थ की ट्रायल हार गई थी, एशियन गेम्स सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप की ट्रायल आ रही थी जो कि बहुत मेन थी, लेकिन यूँ मतलब मैं हार गई, जिदारी तोड़ दी थी मैंने कि अब तो होगा नहीं मुझसे, मैं गेम ही छोड़ना चाहती थी कि मैं नहीं कर रही, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो सर हैं, पेरेंट्स हैं और मेरे गाइडेंस हैं, जैसे पार्टनर है, सब ने समझाया कि तू कर लेगी आगे, मतलब ओलंपिक आ रहा है तू, उसमें पक्का सिलेक्शन होगा तेरा, तो यूं करके बस लगी रही। आप लगी रही और देखिए उसका फल भी मिला है आपको, और हमारे पूरे देश को आपका मेहनत काम आ रही है। थोड़ा मुझे अपनी डाइट के बारे में बताइए, किस तरीके की डाइट लेनी होती है एक रेसलर को, आपका क्या रहता है डाइट का? डाइट का तो मैम जैसे सुबह आते टाइम खाली पेट तो करते नहीं, तो केला हुआ या मतलब थोड़ा ड्राई फ्रूट हुए ऐसा कुछ लेना होता है, फिर बाद में प्रैक्टिस के बीच में हम BCA वगैरह ले लेते, नारियल पानी, आते प्रोटीन, फिर जैसे ब्रेकफास्ट में दलिया खा लिया और लंच में रोटी सब्जी अपना सैलेड वगैरह खा लिए, फिर प्रैक्टिस पे आके फिर रात को फिर वही शेड्यूल। अच्छा। मतलब जो नॉर्मल देसी डाइट होती है सब वही चलती है। अच्छा, और आपका शेड्यूल कैसा रहता है, मतलब प्रैक्टिस का सुबह कितने बजे से आपका शुरू होता है और शाम को तक कितना चलता है? सुबह मैडम 5:30 से 9 आराम से 9 बज जाते हैं, और शाम सुबह 5:30 बजे। हाँ जी, सुबह 5:30 और शाम को 5:45 से 7:30-8। अच्छा, 2 टाइम प्रैक्टिस होती है आपकी और 2 टाइम में आप? हाँ जी, जैसे दिन में, जैसे बड़े दिन है तो दिन में जिम में भी रिहैब वगैरह हो गया, स्ट्रेंथ की हो गया, ऐसा सब। चलिए बहुत बढ़िया है, आपको मतलब आप बहुत मेहनत कर रही हैं ये तो दिख ही रहा है। अच्छा, आप इतना अच्छा कर रही हैं, कुछ आप कहना चाहेंगे जो आगे जो बढ़ना चाहती हैं, जो लड़कियां आपकी जैसी जो रेसलिंग में या किसी भी स्पोर्ट में अपना फ्यूचर बनाना चाहती हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी आप?
मैडम यूं ही कि हर एथलीट का ड्रीम होता है लास्ट मतलब ओलंपिक्स से मेडल लेके आना। बस मैं यूं ही कहूँगी अगर हार जाओ तो जिदारे मत तोड़ना। मैंने भी तोड़ी थी लेकिन मेरे सपोर्ट में सब खड़े थे तो मेरी तोड़ने दी नहीं दी किसी ने वरना मैं छोड़ देती। बस यूं ही कहूँगी कि हार जाओ तो लगे रहना, गिव अप मत करना। जितने अभी आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बारे में थोड़ा आपको पता होगा, उनके बारे में थोड़ा आप देखती होंगी उनके भी वीडियोस वगैरह, उनके साथ में जिनके साथ में बाउट हुए, तो ऐसा कौन से कंट्री का आपको लगता है कि जिसके साथ में हाँ मतलब थोड़ा सा टफ कंपटीशन है? मैडम जैसे अब तो वर्ल्ड पूरा क्वालिफाई हो गया, हम मतलब 16 हैं वेट में, तो ज़्यादातर तो तुर्की और जापान हाँ जी वहाँ के प्लेयर्स हैं। हाँ उसकी वो एक्सपीरियंस में भी ज़्यादा है, सीनियर्स हैं सभी। अच्छा, उनके बाउट देखने हैं और उन पर काम करना है जी। आपकी वेट कैटेगरी में मतलब वो आते हैं। अच्छा, आप मतलब ये रेसलिंग में भी होता है, बॉक्सिंग में भी होता है, वेट कैटेगरी होती है, तो ये वेट कैटेगरी आपकी 76 केजीज, पहले आप 72 केजीज में थी, फिर आप 76 केजीज में आए, इसमें वेट मैनेज करने में मतलब क्या कैसा रहता है, आपको कितनी डिफ़िकल्टी आती है एकदम ऊपर नीचे वेट करने में? डिफ़िकल्टी बहुत आती है। मैं मतलब वेट चेंज किया तभी मैं मतलब कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स से हार गई थी, क्योंकि उसी टाइम पर मैंने वेट चेंज किया था। एक साल तो 72 में मैंने मेडल दिए लेकिन वो नॉन ओलंपिक वेट था, तो 76 में आई तो मैंने पहले लूज़ किया हर मतलब कॉम्पिटिशन जो मेन थे। फिर मतलब मैं रिलायंस स्पॉन्सर हूँ तो मेरे डाइटिशियंस और फिजियो स्ट्रेंथ वो उन्होंने सब ने हेल्प की मेरी, और जैसे मतलब स्ट्रेंथ बनवाई, मेरी वेट मैनेज करवाया, तो मैं उनका शुक्रिया करना चाहूँगी। तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी भी पर आपको ये सब डाइट प्लान फॉलो करना पड़ता होगा? हाँ जी मैम, क्योंकि वेट मेंटेन रखना है जी, कम भी नहीं कर सकती जी और ज़्यादा बढ़ा भी नहीं सकती। क्या बात है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ी आपसे और बातचीत करते हैं और जानते हैं थोड़ा सा और आपके बारे में। और आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती है ये बताइए मुझे। मैडम तो जैसे ओलंपिक पास है बस फ्री टाइम में सोना पसंद करूंगी। रेस्ट बहुत जरूरी, सोना बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना रेस्ट मिलेगा उतना बॉडी रिकवर करती है, ऐसा मैंने सुना है। हाँ। स्कूल टाइम पे तो मैंने स्पोर्ट्स करा है बट अब नहीं इतना है स्पोर्ट्स में, बट हाँ रिकवरी के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जैसे अभी तो अब तो ओलंपिक्स आने वाले हैं, उसके अलावा जब आप फ्री टाइम में रहती हैं तो कुछ कोई आपकी हॉबी हो जो आप शेयर करना चाहें, क्या करना पसंद करती हैं? गाने सुनना क्या? नहीं, तब से गेम में आई तब से तो हॉबी सब खत्म, यही है हॉबी। हाँ यही हॉबी है। मम्मी पापा को कैसा लगता है जब आपको देखते हैं प्रैक्टिस करते हुए? वो जैसे मम्मी तो मेरे साथ हमेशा कंपटीशन में भी जाती, बस बाहर नहीं जा पाती, लेकिन इंडिया में जहाँ पे भी कंपटीशन हर जगह जाती है मम्मी। मतलब खाने पीने का और मेरा प्रैक्टिस देखना सब ध्यान रखती है। पापा यूँ है कि मम्मी जो भी मेरी डाइट बोलेगी वो पापा ले आएंगे, मतलब पापा बोले हैं किसी चीज़ की कमी लगे तो मुझे बता देना, मतलब दोनों पूरा सपोर्ट है, दोनों पूरा सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत पेरेंट्स का भी। मैडम जैसे मेरे भैया अमित हैं वो भी मतलब मेरे गाइडेंस हैं, मतलब पूरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है, पूरी फैमिली। उनको यूँ है कि बस मेडल लेके आएगी लड़की, क्योंकि 8 साल में इतना जल्दी रिजल्ट दिया तो कुछ तो खास। बिल्कुल लोग बहुत साल लगाने के बाद नहीं उस मुकाम पे पहुंच पाते जहाँ पे आप पहुंची हैं अभी, और हम उम्मीद करते हैं आप यहाँ से और ऊपर ही जाएँ और हमारे देश का नाम रोशन करें, अपने कॉलेज का नाम भी रोशन करें। और आपके जैसे टैलेंट्स हमको और चाहिए, तो आप जब करेंगी वहाँ पर, आप जब खेलेंगी तो उससे और बच्चे भी इंस्पायर होंगे आपके जैसा करने के लिए, और आप अभी से इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। मैडम प्रैक्टिस तो अपने मन से कर रही हूँ लेकिन वो है ना कि सबकी दुआ भी ज़्यादा काम आती है। बिल्कुल, मेरे यूं भी एक दुआ ज़्यादा लगती है सारे से। बिल्कुल, हम दुआ करेंगे, पूरा देश दुआ करेगा आपके लिए, और आप से हमें यही उम्मीद है कि आप मेडल ज़रूर लेकर आएंगी, और ऐसी हमारी दुआ भी है आपके लिए। तो दोस्तों ये तो थी हमारे साथ रितिका हुड्डा जो कि खेलने जा रही हैं फ्री स्टाइल रेसलिंग अंडर द 76 केजी कैटेगरीज। जिस हिसाब से ये प्रैक्टिस कर रही हैं, जिस हिसाब से ये एकदम जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, उससे हमको पक्का लगता है कि इंडिया इस बार दुनिया को दिखा देगा दम। रितिका ने वाकई पेरिस ओलंपिक के लिए बहुत मेहनत की है और उसे पूरा विश्वास है कि वे ओलंपिक से भारत के लिए मेडल जरूर जीत कर लाएंगी। रितिका हुड्डा रोहतक के छोटू राम स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हैं। ये वही स्टेडियम है जहां से निकलकर साक्षी मलिक ने 2016 में रियो ओलंपिक में तिरंगा फहराया था। रितिका हुड्डा के साथ पूरे देश की दुआएं हैं।
खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया केंटारो। हमारे ओलंपिक स्पेशल सीरीज दिखा दो दम के अगले एपिसोड में फिर से हाजिर होंगे किसी और ओलंपिक खिलाड़ी के साथ। देश का हौसला बढ़ा दो, खिलाड़ियों दिखा दो दम। नमस्कार। जी हाँ, सिर्फ केंट देता है 4 साल तक फ्री सर्विस, और सर्विस मिले सबसे फास्ट। केंट का सबसे शुद्ध पानी पीते रहें और बेफिक्र रहें।